ट्रेवल विद कलवानिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रुस्तम जी महाराज का ये जो समाधि स्थल है, मुख्य धाम है, इसका हम आपको दर्शन करवाएंगे और इसे पीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। पीर बाबा ने सिद्ध संप्रदाय से सनातन धर्म की रक्षा की है। इनकी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। रुस्तम जी महाराज का ये जो समाधि स्थल है, यहाँ पहुँच गए हैं। ये करीबन 350 साल पुराना मंदिर है और कहते हैं कि औरंगजेब ने काफ़ी सारे मंदिर तोड़ाए थे, लेकिन ये जो मंदिर है अपने रतनगढ़ के आस पास, जो पास का गांव है छाजूसर, उसमें ये बना हुआ मंदिर है। और औरंगजेब को रुस्तम जी महाराज ने काफ़ी सारे चमत्कार और शक्ति दिखाए थे, इसके वजह से उन्होंने मंदिर बनाया था। और आज इस मंदिर में एक्स्ट्रा कोई अभी तक नहीं है, जैसे पहले बनाया था वैसे ही सेम बना हुआ है। तो इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे और अंदर आपको दर्शन भी करवाएंगे और आपको इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री भी हम देंगे आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं। और जैसे गेट के अंदर हम एंटर करते हैं तो रुस्तम जी महाराज का ये जो समाधि स्थल है ये है, और ये मुख्य धाम यही है। तो इस धाम के बारे में जानेंगे और अंदर के भी आपको दर्शन करवाते हैं। इस रुस्तमपुरा गांव से रुस्तम जी महाराज ने छाजो नाम के आदमी को श्राप देकर गांव से तो निकाल दिया, लेकिन इस गांव का नाम उसी आदमी के नाम से छाजूसर रख दिया। अब बात करते हैं विक्रम संवत 1736 में बने इस मंदिर के बारे में। रुस्तम जी महाराज ने दिल्ली में जाके औरंगजेब को काफी चमत्कार दिखाए थे। राजा के महल में प्रवेश से पहले अपने आप नगाड़ों को बजना, 10 काल कोठरी में कैद रुस्तम जी महाराज अपने आप बाहर आ जाना, उनके दरबार में मरे हुए अरब को जीवित करना, मक्का से बेर लेके आना, राजा के महल में लाखों की संख्या में सिद्ध दिखाई देना, चूना पीसने वाली चक्की स्वतः चलना, अग्नि परीक्षा में अग्नि के अंदर से मतीरा लेके आना, इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कार राजा को दिखाए थे। तब औरंगजेब ने जाकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया है। नाथ जी ने औरंगजेब की निशानी रखने के लिए इस मंदिर के ऊपर ये चौकदा मुकबरा बनाया था। इस मंदिर की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आइए अब आगे चलते हैं, इस मंदिर की पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे और इसके अंदर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। अब आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको नाथ जी के समाधि के दर्शन और यहाँ मंदिर के अंदर जो चित्रकारी की गई है प्लस नाथ जी की कुछ से यहाँ एंटीक चीजें, उनके हम आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले नाथ जी की समाधि का दर्शन होता है और ठीक इनके सामने ये पूरा शिष्य से सजाया हुआ मंदिर है। उसके बीच में यहाँ आप जो देख रहे हैं गोरखनाथ जी प्रतिमा लगी हुई है और इस मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया गया है और इस मंदिर के अंदर नगाड़ा भी रखा गया है। ये नगाड़ा उसी जमाने का बता रहे हैं। इस मंदिर में गोरखनाथ जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और ठीक इस प्रतिमा के ऊपर रुस्तम जी महाराज के गुरु श्री धनराज जी महाराज और रुस्तम जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो शरण पादुका आपको नजर आ रही है रुस्तम जी महाराज की, कहते हैं कि सभी के पैरों में अंगुलियां 5 होती है, लेकिन रुस्तम जी महाराज के पैरों में 6 अंगुलियां थी। और ये जो सामने है ये हाथ का थापा लगा हुआ है, ये रुस्तम जी महाराज का ही थापा दिया हुआ है, उसी टाइम से ये मंदिर में है। मंदिर की जो चित्रकारी है वो बहुत ही सुंदर की गई है। ये गुम्बद के ऊपर की चित्रकारी की गई है, कांच से की गई है, बहुत ही सुंदर की गई है। और दोस्तों ये मंदिर का बाहर का सीन है, जैसे पहले मंदिर बनाया था 350 साल पहले, सेम उसी रूप में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। और ये बाहर बैठने के लिए चौकी बनाई गई है। और ये जो सामने व्हाइट रंग का जो मकान है ये मेलूसर के पुरोहितों के द्वारा बना के दिया गया है।
और मंदिर के बाहर ये जो चबूतरा आपको नजर आता है ये समाधि है रुस्तम जी के पांचवे चेला चौबे जी की। यह समाधि स्थल है। कहते हैं कि ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये जाड़ का पेड़ है, ये रुस्तम जी महाराज के टाइम का ही जाड़ का पेड़ है और इसके पत्ते चबाने से बीमारियां दूर हो जाती है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये है नगारा का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं समाधि टाइप के ये नगारा के मंदिर बने हुए हैं। ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये रुस्तम जी महाराज की जो घोड़ी थी उनकी ये समाधि है और ये जीवित समाधि है। इनके भी काफ़ी सारे चमत्कार है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। जो यहाँ के पुजारी जी है सेवक है उनसे भी हम इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लेंगे और आपको भी सुनाएंगे। रुस्तम जी महाराज की जट आप परिचर्चा करने लाग रहे हैं वही मुख्य स्थान है ना जी महाराज को, वो समाधि स्थल है नाथ जी महाराज अठे 1736 जाल और 1775 तक अठनाथ जी महाराज दिल्ली जाए और बादशाह औरंगजेब विजय हुए और बाद में वो मंदिर को निर्माण करवाए बादशाह औरंगजेब और बाद गए नाथ जी महाराज 1775 में नाथ जी महाराज समाधि लेनी जब तक अठ भजन करो नाथ जी महाराज लमसम 40 वर्ष अठ भजन करो सहन दिया। औरंगजेब जी ये मंदिर बनाने को के कारण हो मंदिर बनाने को यहाँ सुनना मारी है कि औरंगजेब जी मंदिर बनाए ही को नहीं लेकिन वो मंदिर बनाए तो वो के कारण है क्यों बना दिन कारण इनमें विशेष एक प्रश्न वो ही है हर बार एक ही प्रश्न उठे कि मुसलमान वो जो शासन रहे हो तो मुगल शासन गए माँ हिंदुओं का मंदिर फोड़िया ही गया कोई बढ़ायो नहीं गयो। रुस्तम जी महाराज जसनाती संप्रदाय एक छोटू पंथ है। जसनाती संप्रदाय में शिरोधारी भगवान श्री देव जसनाथ जी महाराज को अवतार हुए 1539 में और नाथ जी महाराज 23 वर्ष और 11 महीना आप वो शरीर रखे पंथ के धर्म को की स्थापना कर दी पंथ को आगू आगे संचार कर दियो। नाथ जी महाराज 36 नियम है वह आपके मुख द्वारा उच्चारण करें और आपके जो भक्ता मह जो वह प्रकट कर दिया और वह नियम गए अनुसार व नियमान का धारण करो बांगो नाम वह सिद्धि प्राप्त कर ली ने सिद्ध की पदवी मिल गई बांगो वंशज सिद्ध हो गया सिद्ध शब्द शुभ भी पुकारन लग गया। तो बाद में जो जसनाथ जी महाराज को दूसरो उतार हंसे जी महाराज ने एक ज्योति प्रकट हुई हंसो जी महाराज लिखवा देसर में आ गए और जसनाथ जी महाराज उतार लियो बंग माँ जसनाथ जी महाराज का पिताजी और चार भाई या बिशल का बेटा और राजे जी का बेटा हंसो जी महाराज बमनाथ जी महाराज की एक ज्योति प्रकट हुई ज्योति प्रकट हो जो लिखवा देसर स्थान बड़ बाया जी महाराज को स्थान जो कि अपना भाई लेगी बाया जी है बंगो स्थान लिखमा देसर जो जसनाथ जी को स्थान है बैठो बा इंदिरा की अवधि को कोई प्रकार को आँख को नहीं नहीं जाने किन भी इन चीज़ को बेरो को नहीं का यही सदी में ए मिंदर बनया। तो बाया जी महाराज का आपका आपके योग बल द्वारा वह मंदिर बनाए रहा बैठे जो नाथ जी महाराज दूसरो अवतार जो हंसे जी महाराज में ज्योति प्रकट हुए बट वह आवे है और एक ढूंढ नाव राक्ष को वह कल्याण करे लारले जन्म का मान भचन है और बयान जी महाराज को स्थान है जो बठे शू स्थानांतरण कर दे भाई ले बंगो आसन से चा दे और नाथ जी महाराज आप है जो समाधि ले ले 1736 में दिल्ली बादशाह औरंगजेब है बीकानेर महाराजा अनूप सिंह जी नाम को राजा है। तो बी समय गए मान जी बादशाह का जका गुप्सर लोग जका हलकारा अब राजा लोग कने कोई आप वो राजकाज को कार्य करने के वास्ते आया करता तो वह पैदल यात्रा हूँ थी घोड़ा हूँ तो कोई ऊँट ऊँता कोई बैला ऊँता तो वह लिखवा दे सरकाऊँ गए माँ चैत सुधी सातों के दिन वह छठ के दिन रुक जावे और सातों के दिन बड़े लिखवा दे सर में के वह एक आज दिन भी बड़े परंपरा है कह होम ओमाई तो है ना एक ढोल बाजे भी ढोल बाज ने छू सब ने जानकारी हो जाए जाए चाहे भी गाँव के माँ कोई भी काष्ट को आदमी हुए बे जसनाथ जी महाराज नहीं माने बे जो को बिलावने को की है जो आपको ले जावे और होम करे आज दिन भी वह परंपरा बहुत बड़ी श्रोधारी है समाज में एक नंबर पर है। तो बैठे भाई हुमायत चाल है और भाई ढोल बाजे तो भाई बादशाह का जगह गुप्तर है भाई जार बैठे वो हादसों वो दिखे देख रमा है जो मनम विचार करे हो अग्नि में होम करे बड़े कुछ न कुछ कोई शक्ति है। तो वह बादशाह ने बोझ को
बीकानेर महाराजा ने काम भुगतान कर दे और दिल्ली जा बादशाह। औरंगजेब ने बादशाह पूछे को कोई बीकाने की बात, तो वह देख रख महाराज अब की बार में एक नयो हो जो को एक काम देखियो परिचर्चा में थान बतावा। बीकानेर के रास्ते में जो सिद्ध बोले एर के है सिद्धि बा में ये चीज को मन को पूरी जानकारी कोनी। अग्नि में होम करे जो घोड़ा ने तेरह रात्र पे देने की चीज है, बहुत बड़ी कीमती चीज है जो सुआ सुआ नाम कर गिर अग्नि में होम है। तो बादशाह मन विचार करो गए इं कोई अग्नि में होम जो को करे और सिद्ध बोले न कोई सिद्धि है। एर सनातन धर्म है इनमें बहुत बड़ो खंडन करने लाग रही हूँ, तो भी वो पनपन लाग रही हो तो इन जड़मूल से भी खत्म कर दूँ। तो बादशाह बान कह है कि थे एक काम करो कि आपने जो को सदा तो थे जाया करो और जो के मी विषय में और आज है जो को ओ मेरो परवानो ले जाओ और मैं सिद्ध बोल रहे बम जो को पूजनिक बाबू जी बिन ओ परवानो दे दियो। अरे बन कह दिया तने बादशाह बुलाए दिल्ली बुलाए। तो बादशाह का अलकारा बे दीठे मारगाई मतलब बैसागी मार्ग भाई जो बादशाह का गुप्तर भाई जगह एदी है जगह वापिस आवे सदामत तो मैं कोई चौधरी आगे करिए उतरता। अरे बी दिन है जो बी जो मंदिर जसनाथ जी को स्थान है भठई भी जावे साधु संत और सन्यासी बहुत ही आज दिन भी रहे पहली भी रहता। तो भठे जो गुजार में पूछताछ करी भाई थारे में मुख्य कौन है वहीं आडम्बर को धनी बैदे घर बोलिया महाराज मारे तो अठे महंत जी है नाम की है धनराज जी नाम है। तो ऐदी है जो धनराज जी महाराज मिले मोटा मोटी सोट रूप में कथा पा करा नाथ जी महाराज की वे मिले वो परवानो दे। तो धनराज जी महाराज देख कर भी ओके कागज है मैं तो सिद्ध लोग हाँ मैं तो यहाँ तो देखो ही कौन क्यों महाराज सिद्ध लोग तो हो मन आज थारी बात चर्चा है वो बादशाह औरंगजेब तक पूगी थन दिल्ली बादशाह औरंगजेब याद करे है बिंगर मन में सने हुए वो सब राजा महाराजा ने बुलावे और बिंगो जो को हुक्म है बिंगो ऑर्डर है जो कोई भी नकारे कोनी इन वास्ते था ना आपने दिल्ली बुलाया था बाम बा अगर कुछ करूँ ना करी मैं देख कर बोले महाराज नहीं आप सिद्ध कुआ वो पग दबा वो बाबू जी बाजो वो तो बढ़ गए काम सर से। रस्तम जी महाराज को उतार हुए अब बैठूँ रस्तम जी महाराज को जो को तीसरो उतार दूसरो उतार लिखमा देसर की गादी पर हो। अरबा परंपरा चलते चलते 189 वर्ष बाद गए माँ रस्तम जी महाराज को उतार हुए भी समय में बादशाह औरंगजेब को शासन है और बादशाह सिद्धा पर ओ पर्सनल रूप से अटैक करे। तो रस्तम जी महाराज ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बान भेंट हुए क्यों ई काम के वास्ते ही जसनाथ जी महाराज खुद स्वयं उतार लियो वंश चौहान वंश में। तो रस्तम जी महाराज बठूँ लिखमा दे सरावे गोरखनाथ जी महाराज को बान उपदेश हो गया आप सिद्ध संप्रदाय में प्रवेश हो जाओ और भगवान है जो धारण कर लियो। रस्तम जी महाराज बैठे आवे तो एक बार तो नाथ जी महाराज गुरु जी महाराज को चादर ले और कथा बहुत लंबी है चादर नाथ जी महाराज को बैठे सने प्रगट करे तो रस्तम जी महाराज की जगह चादर है सारो जो कार्य है ऑटोमेटिक गुरु महाराज की कृपा से हो जावे तो वह बड़े रहने वाला लोग बाग बहुत बड़ो ताजुब करे। बी टेम में रस्तम जी महाराज की उम्र छोटी है रस्तम जी महाराज धनराज जी महाराज ने कहे गुरुदेव कदी कोई जरूरत पड़े तो मैंने याद कर लिया। अब जो बात जरूरत कद पड़ी भाई औरंगजेब के बारे में बादशाह का ए दिया यार भाई जबरदस्ती माने एकदम डंडे के साथ है जो बैठू जबरदस्ती कर ले जाने के वास्ते तैयारी हुआ बी टेम रस्तम जी महाराज ने याद करे। रस्तम जी महाराज तत्काल बड़े पूग जावे और बन कहर भाई तो की कर रखे थे ये तुम्हारा गुरु है दिल्ली में जे श्याम वो कार्य मेरू है तेरे बादशाह कह देगा सबने छोड़े सिद्धाओं कोई परिचय लेना है तो मैं आल सके धोरे तपस्या करूं बट तेरे बादशाह मेरो नाम रुस्तम है बड़े बेच दे। अब बादशाह को मैं 5000 कहो बंगो मान आन करो एक पर जो ए ध्यान दिन बरसा पत्थर पत्थर मान आन कि गुरु का हाथ लगाए नी चंदे जो बंगो बहुत बड़ो अपमान करो। तो बैस गो रस्तम जी महाराज के पगा पड़ गया कि बाबा मारी तो कोई गलती कोनी मैं तो कुमगा चाकर हाँ आप बढ़ी जाओ बाबू बात करो मन तो छुट्टी दो मैं वापिस को नहीं आवा। फिर इस गो बादशाह इस गो राजा ने भी तलब करे है अनूप सिंह ने राजा ने कहेगा आपके रास्ते में सिद्ध बस है बाना इस गो मैं आज की सिद्धि प्रमाणित करके देखनी चाहूँ। राजा देख रहे महाराज सिद्धा पर्सनल आप ही मिलो
मैं तो कई बार मारा बडेरा गया भाई, लज्जी तूरी आया सिद्धांत बिकी कोनी, मेरी रास्ते में जरूर बसे, बाकी मेरो कुछ लेनो देनो कोनी, आप ही पर्सनली मिलो सिद्धांत, तो वो आपको मियाँ मिलन जुलन बनावे। और अब बाद शायद वो रस्तम जी महाराज ने परवानो लिखे कि तू बड़ो भारी पीर कही जाए बोलियो महादे खन को साहब, तू पीरा की शक्ति है तेरे में, मैं तुम देखने की और दर्शन करने की अभिलाषा है, एक बार तू मेरी हठ दिल्ली नगरी में आओ। जब रस्तम जी महाराज दिल्ली जावे तो गुरुदेव को एक पद बढ़ाने के वास्ते और गुरुदेव को दर्जो ऊंचो बढ़ाने के वास्ते अपनी सनातन धर्म की परंपरा है, रस्तम जी महाराज तो परिपूर्ण परमात्मा ही है, लेकिन धनराज जी महाराज ने भाई गुरु को दर्जो दे और धनराज जी महाराज ने नमस्कार करे के गुरुदेव अपनी जी की सनातन एक परंपरा है, जिया कटई जावा जद कोई चीज है जिसकी मन प्रदान करो। तो धनराज जी महाराज रस्तम जी महाराज ने भगवी चादर को प्रदान आपकी वह प्रदान करे, एक घोड़ी प्रदान करे, अरे बाजो तो अनेक बात की बात चाले है, मैं चार जगह वर्ण है, चारों वर्णांग में एक ताल के बजा बाजो बजाने की ही फैसिलिटी ही, दो ताल को बाजो तो राजघराना में ही बाज तो राजा लोगों को ही बाज तो, मैं कोई दो ताल को कोई भी जाति ने फैसिलिटी को नहीं, बाजो एक ही तरफ हो। तो धनराज जी महाराज बान नगारा बख्शीश करे, नगारो बख्शीश करे बे घोड़ी पर मांड बैठूँ जो को यात्रा करे, साथ में जानने महाराज कोई के वह भी समय में भी बादशाह को भय हो तो लोग बाग चतुर आवे तो नट गया। पर भटे साधु संत कोई रेम था, कोई दिका अंग भंगा, कोई अनेक प्रकार चुंबे आपका दुखी आप मां देख रखे हो महाराज दिल्ली तो मे जावा मन मारो तो शरीर कार्य काम करे को नहीं। तो रस्तम जी महाराज बड़े जसनाथ जी महाराज को सुमिरन करे, सुमिरन कर और बन एकदम मांगा शरीर कंचन बना दे न बन ये चीज को बेरो पड़ जाएगा जसनाथ जी महाराज को अवतार हो चुके हो दोबारा। तो बठऊँ रस्तम जी महाराज चाले है और उसको छाजू सर अब की जगह आप जगह स्थान पर खड़िया अड़ बे पू गए, अड़ पू गए तो अट तक कह जो मासा के साथ में सत्संग करनिया और चालनिया लोग बाग बहुत है, पूरी फौज ही सागे। हाँ पूरी फौज ही है। अब अट्ठे जो मांगी घोड़ी पानी पीर वापिस मुड़े तो वो नगारो हो मुन्नो पड़ गयो, नगारो मुन्नो पड़ गयो तो साथ जगह धनराज जी नगारा जी ने वो नगारो अठार मुन्नो पड़ गयो, मुनो पड़ गयो तो मैं देख सात आला बोलिया कि बाबा जी मैं तो महाराज को जाऊँ। रस्तम जी महाराज की उम्र भी इस समय में 16 वर्ष की है। तो मैं साथ में जावे जानिया नट गया नाना जी महाराज के और कर्म तो भोली बातड़ी कायर मत देखाए कायर काचो कांठड़ और मांगरू और खाए, आपा एकला को नहीं आपा गोरखनाथ जी महाराज का शिष्य हाँ, अरे आपा तो जसनाथ जी महाराज का उपासी का फिर सिद्ध में बह के चीज गए आपा थे कोई परवाह ही मत करो, कहो महाराज वो तो ही हथियार हो मुन्नो पर गयो। रस्तम जी महाराज पाछो पान के बचन कहे के आपा दिल्ली जावा जो ओ नगारो मुन्नो पड़ियो है कि यहाँ दिल्ली ने मुन्नी मार से आप और सब बात में आपा है जो परिपूर्ण आपनो कार्य एकदम अपनी ही जीत उसी अपनी कोई प्रकार शू घाटबाद को नहीं हुआ नगारो राजा कोई मुन्नो पड़ियो है। हाँ राजा कोई मुन्नो पड़ियो है बिंगो शासन है जो एक मात्र देख लियो के साधुआ पर अटैक करने छू इया देख लियो थे बादशाह औरंगजेब को शासन मुंद हो ही पड़ गयो। साथ में कोई चतुर शिष्य है देख बोलिया महाराज लाल जन्म माँ भजन करी होगी कैसे नानी है इनको प्रमाण किए। रस्तम जी महाराज जैठा आपकी शिरोधारी है समाधि है, समाधि कनार के अठ थे खोदो सात जन्म की सात ही वस्तु निकले और बटे छू एक परमल सुगंधी ऐसी प्रगट हुए जिको महाराज जतागे बा सुगंध है जिको पल्ले पड़े बंगो महाराज दिल मजबूत हो जाए और मन जसनाथ जी महाराज को रूप रस्तम जी महाराज में दर्शन लाग जावे अठे जो सब महाराज 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन हुआ तो वह सात महाज का एकदम निश्चिंत गुजावे। अटनाथ जी महाराज कहो जीत अपनी जोड़ी है अगर दिल्ली नहीं जावा तो भी जीत है अपनी कभी हार हुई कौन सका माँ गोरखनाथ जी महाराज का शिष्य आदु आसन आलस रस्तम परे मंडाण तपस्या मेरु अवतार हुए जतीवारा में गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बाज की भेंट है संता की भूमि है जमें धोरे बढ़ में ई वास्ते बा रमणीक भूमि है बढ़ई भी मैं भजन करी है जतीवारा मेरे अवतार हुए जतीवारा अरे ओ आदु आसन आलसरे आसन मेरो जब बठई है
बाकी वो रस्तम पर है वो मनान थरपू अपनो बादशाह औरंगजेब मंदिर बनासी आश्रम बनासी अपाठरीशा वो दृश्य नाथ जी महाराज बन पहली बता दे फिर है जो माया हटा ले क्यों अग कार्य करनो संसारिक कार्य करे जना महाराज जिया परमात्मा को उतार हुए तो जिया वसुदेव देव की गगरी उतार हुए तो परमात्मा मन दर्शन दे चतुर्भुज रूप धारण करे अनेक प्रकार से और फिर बा माया इसको हटा लेने पर जाने मारो लड़को ही है वो क्यों इमो उसको संसार का पांच विषय गए वो जीव है जो वसीबू तू जा जिया ही रस्तम जी महाराज आपकी माया है जो हटा ले और सात आला यही लागेगा अपना बतला एड़ा अंग सग जावा बड़ जावे रस्तम जी महाराज दिल्ली बादशाह औरंगजेब कन जावे अर बादशाह ने 52 परचा दे मुख्य परचा बादशाह अंजार पूछो भाई तुम क्या बुलायो की बात ही एक जुको बड़ आगे जुको एक बादशाह गए सलाहकार हो कार्यकर्ता हो जिया कोई पियो मानो बिंग अनुमति सारो कार्य हूँ तो बिंगो जुको नाजी महाराज को जानो वह तेज बहादुर नाम काजी है वो लड़को चल जावे खत्म हो जावे नाजी महाराज चाल है साथ में आपकी सेना जिसका आपका शिष्य है वह देख कर बोलिया बाबा जी सुगन तो बड़ा कावड़ होया मान माया को जायो सोई देश पर आयो इंगत परिवार गए लार कत्ता वह आपने तो धनी दौरी को नहीं मुसलमान को राज है हया दया ही को नहीं कौन अपनी सुनाई करे नाजी महाराज के अरे सुगन चोखा है भरी जोड़ी मिले पाचा जाता कहा नहीं आवे नहीं जना वो सुगन है जो थोड़ा अपसुगन मान्यो जावे सात मास का देख कर बोलिया बाबा जी ठीक है अब जो कुछ है खिसियो चोखो एक्सियो माड़ो मैं भी जाना अपन अब बेबस बात है जो कुछ है जिया तो सिंह होगा तब आपको जी आपको जी की सुरदारी है तो नाजी महाराज कहो जीव तेरा सुगन अच्छा हुए तो नाजी महाराज बठे है जो सरजीवन मंत्र सुना गए और मैं जो तेज बहादुर काजी हो मैं नाम लड़के को नाम आरभ हुए बिन सरजीत करे आरभ नाजी के वो भगत हुए बहुत बड़ी नाजी महाराज की कथा तो बहुत लंबी है बटूँ आगे जार बादशाह ने कहे बोल भाई क्या बुलायो तो भी जा रखे हो मैं तो मेरे कैदी खानो है बिन में बात कराया करूँ आए गए हूँ तो नाजी महाराज ने 10 कह खण हुए 10 ताला में भीतर बुझड़ दे लड़के ओ यो नहीं बाबू जी 10 कोठड़ी बनाई 10 कोठड़ी बनाई जी अंडरग्राउंड जहाँ बम बन का गया बे गया दुकान कहो वो पत्थर बरसाए उसको बाबू जी वही तो कहो महाराज वही बस जाप तो हो गयो सुबह तक तो अड़ी को कुछ खानो पीनो जी हुए तो ठीक है नहीं लार लाने इसको खेत में दे दियो भाई अपनो तो काम है जद है इसको अब दिन गए यहाँ वातावरण करी बादशाह को कोई बढ़े जो सलाहकार जार कहो महाराज थे जो राहत जो खेत में दियो वो साधु बार है अब बादशाह मन विचार करो बोलो की बात उसके विचार देखे तो वो दृश्य आगे कैदी खानो सुनो पड़ियो यहाँ करता करता बादशाह 2 दिन है जो बंग ताड़ा भीतर चढ़े तीसरे दिन बादशाह जो आप है जो नाजी महाराज की चौकसी करे आप है जो पहरेदारी करे बतलावे क्या भाई रिश्ता माँ अखबार है यहाँ बातचीत करता करता दिन उद्योग बैस गुजार क्यों महाराज थे तो अठे दिन हो गयो अरे माँ बार करो वो तो बार ही है अब मन विचार करो बोलो की करो जाए जना बादशाह को जो गुरु है समझ दे ना बिन पूछो और गुरुदेव मैं थान क्या मैं पूछू हूँ वो एक सनातनी साधु आयोड़ो ओ जो चलो जैसी ने मेरे अपमान हो गई अरे मेरी भी आराधना है पीरांगी तो बीज को समझ दिन जी महाराज कह है क्या इन मक मदी ने भेज दो बठा अपना पीर है जो अपने संप्रदाय में अपने समाज में मिला ले सी अब बठे भेजे तो बठे महाराज एक बोलडी के बोरिया को बांधो देर भेजे ना जी महाराज को भाई मारे तो सनातन में कोई बोलडी के बोरिया को प्रसाद मारे तो कोई प्रकार को कभी भाई लागे को नहीं थारे समाज में जो शिरोधारी है तो कोई बात नहीं पहले तू लिया बात कर क्यों महाराज मैं तो लिया दे तो बादशाही कह बाद पीरांगी करा माती दे बदल तो सुए को रूप धारण करियो रस्तम जी महाराज बाजू को रूप धारण कर लारमी जावे जो भी के रस्ते के माँ कुछ साइज की आपकी कला नाजी महाराज आपको पराक्रम है जो वो भी देखा हुए हैं वो तो उड़ान करे नाजी महाराज झरपट दे यहाँ करता करता मैं मक्के पूक जावे एक बोरी 1000 महापुरुषों की लीला परमात्मा की एक के टांस दिन पे सब झूठा हो गया झूठा हो गया ना बादशाह तो वो रूप दी से ना वो तो वो रूप
वो तो बट जा को नहीं। अब वो है जो नाजी महाराज के एक रे जो जो भी मिंगी बा मांग करेड़ी वो कार्य कर मक्के जाए मदीने पुग्या पंथ पिछाणियो पीर गो मक्के मदीने माए। अब मक्के उजार बे मदीने जावे जब सब पीर है जो मांगी मित्रता करे क्यों परमात्मा वो तो मालिक एक ही तो है। बड़ी बारी नाथ जी महाराज की शिरोधारी श्रावना हुए सब जगह और बादशाह तो पुग्यो और आपका जगह तोपां दगी बड़ो भारी इसको एकदम सब लोग उत्सव मनावे बादशाह जार बूझे बुलाओ भी महात्मा ने रुस्तम जी महाराज ने कचहरी में जावे जार जो कहो बोल भाई जाइए हो हल करिए हो कहो महाराज मारे तो सब तीर्था में बड़ो कोई तीर्थ है तो वह देखाड़ की प्रसाद ले हो। अब मैं बोरिया देखाड़े नाजी महाराज कह रहे अति दूर गयो कह दिल्ली में 10,000 कोस है मको अब झूठेड़ो तू फल जायो भाई मारे सनातन में तो झूठी चीज है जिसकी देवता के कोई चढ़े कोई कहो महाराज बैठे ईशाई है मारा मक्का जिसका पीर शहीद है जिसका बैठे जो सब है जो ओई जो सारा है जो आसमन करे और वही प्रसाद सब ले जो बहुत सा रूप धारण कर कर वो बड़ा भोजन करे। तो नाजी महाराज आपकी जेब मुँह आपकी जोड़ी मुँह सोना बोरी है उसको देखाड़े क्यों ए कि वो तो बादशाह हो तो फिर वो के झूठ थोड़ी बोलो क्यों भाई बोरिया तो ऐ ये मैं आप कना गया बोलो आप गया नहीं गया बा बात छोड़ ए तू ले उसकी बोल ली गया को नहीं क्यों महाराज मैं थन देखा को नहीं देखा तो तय को नहीं तन मैं देखियो रस्ते में वो जड़ फड़ाओ वो मैं तो एक मन है रस्तम जी तो बनया बाज हाँ तो कौन बनया बादशाह और रस्ते का मैंने परेशान करे आज बन याद दिलवाया कि वो मई हो मई वो बाज को रूप जो को अपा शिक्रो कहता पहली बडेरा मी रूप में बाज ना पक्षियां को जो को पक्षियां ने बह देने वालों एक स्वरूप बाज ही है। तो नाथ जी महाराज देख वो रस्ते के माँ जो मैं जो तन फंपेड़ हो और तन जो जर पट लगाई वो मैं ही हो मैं सनातन या मैं तो मारे जिशो करा तेरो स्वभाव मेरो कोनी नहीं तो तेरी घंटड़ी बठई मरोड़ दें तो बाकी गादी गाऊ गाला कोनी मैं महापुरुष साधु को कार्य हुए आप सरसो बनाणो साधु तो शिक्षा ही दे महाराज सासू तो मारे किन बतो अमर करे मारे क्यों तो ऐ वातावरण हो जावे तो बादशाह बहुत बड़ो लज्जित हो जावे लज्जित हो जावे। बाद में इसको बड़ो भारी बादशाह एक षडयंत्र रचे आपके गुरु ने भी पूछे अरे आपको एक बादशाह कल उपाई उंडी चोरी खून खुदाई उसमें खूब अग्नि भरवाई अब सिद्धों को लाओ भाई मैं सिद्ध रस्तम की देखूं सिदाई आया सिद्ध किया बेचारा कूद पड़ा अग्नि में सारा कूदत बाहर आया तद हरिओ मतीरो सिट्टा ले आया रस्तम जी महाराज हूँ एक तो मांग करे कि बीकानेर की रास्ते का मतीरिया सिट्टा मशहूर हुए आप मन दिखाओ आप तो सिद्ध पुरुष हो। नाथ जी महाराज को देख भाई बिनारी तू की वस्तु नहीं हुआ करे एर एक आप तो अग्नि स्नान करो तो नाथ जी महाराज वो अग्नि स्नान बादशाह आपकी बुद्धि के द्वारा एक बनावे ऊँडो चोड़ो कुंड बनावे मैंने अग्नि भरवा दे सिद्ध पुरुष हो आप स्नान करो। नाथ जी महाराज आवे आर वो दृश्य देखे तो मैंने कहो अब तो तेरह आसन उठा दो वो तो मारो काम है तेरह थोड़ो ही है अरे दोनों है मान तो कोई वस्तु नहीं चाहिए जिसकी तो माँ आलोप कर दें अरे चाहिए जिसकी अजर अमर संदूक मारी तो आई है भाई मारी टेची तो आई है मारी तो गोडरेज आई है तो कोई वस्तु चाहिए जिसकी इमो ही निकाला मैं तो उतने बहुत अच्छो काम करियो। अब बादशाह ने दूर कर कह दे तू तो दूर हूँ दूरी हूँ देख अब देख जती दूर की कार है आज की लिछमण कार है इंग पग मत दे दी। अब नाथ जी महाराज आपकी कला के द्वारा मला राग कर बिरखाबर सावे बिरखाबर छणसू भूमि की शुद्धि सारी दूर हो जावे और साथ में जो शिष्य है मान नाथ जी महाराज जो जिसनाथ जी महाराज को जो गुणगान जो नाथ जी महाराज आपके मुखार बंसू जठेर स्तम जी महाराज ने गोरखनाथ जी महाराज की भेंट हुए वो गुरु और शिष्य को मिलन को महाराज वो प्रकरण है अरे वो संवाद है जो मला राग में गायो जावे तो महाराज अग्नि है जो आप वो स्वभाव भूल गया अग्नि आप वो स्वरूप भूल गया ई वास्ते नाथ जी महाराज रस्तम जी महाराज वह सात का शिष्य है जगह तो वो गान बजान करे और
नाथ जी महाराज खड़ा हुए, रुस्तम जी महाराज भी अग्नि कुंड में प्रवेश करे, प्रवेश कर नाथ जी महाराज सवा पहरे जो भी अग्नि मरे। अब बादशाह हुकुम बादशाह की ओ करारो, सब वो पकड़ जेल में डारो। वो अग्नि उठ गया बिन दिशा को भी मन विचार करो कि लारे जकान जेल में दे दियो, चुबिंग बत्ती दूर बत्ती बुद्धि ही। हुकुम बादशाह की ओ करारो, सबको पकड़ जेल में डारो। और पकड़ पकड़ अंत नहीं आया, से सुना जोगी दरसाया, सवाला गिनती में आया और सिद्धों का अंत नहीं पाया। घर घर जोगी घुरे नगारा, मेल मेल में जोगी दरसे, बिरखा तो अग्नि की बरसे, गुरु गोरख प्रकाश ही माया तो उसका पार कणी नहीं पाया। गोरखनाथ जी महाराज की कृपा शू, रस्तम जी महाराज गुरु आराधना करे और अग्नि में प्रवेश करे तो नाथ जी महाराज वो अग्नि जिया सिद्ध लोग अब भी अग्नि नृत्य करे ना, वो अग्नि उछाले उछाली तो अग्नि की बिरखा बरसी महाराज। अग्नि की बिरखा बरसन लाग गई तो बिंगे जो मेल मेल में कुंगरे कुंगरे जोगी साधु साधु उजावे और बादशाह की हुरम और जका सब है जो कह रहे भाई ओके कर लियो तो है अंगे पगा पड़ जा। तो बादशाह है जो रुस्तम जी महाराज के पगा पड़े, तामा पत्र दिया नगारा, लाग भाग सिद्ध थान छूटिए सारा, दिली जीत सिद्ध रस्तम आया, साधु स्वर्गी पास बसाया, रस्तम पुरा गुरु नाम दिराया, धर्म सनातन जो सुत पाया, तो रस्तम नाथ एक परम सिद्ध पाया। नाथ जी महाराज के चरणा पड़े और नाथ जी महाराज ने कह के गुरुदेव आप महापुरुष हो, मैं बड़ो भारी अभागी हूँ, आपने मैं संताया, आप सरसा महापुरुषा। तो नाथ जी महाराज के चरणा पड़े और वो आपकी कोई दान दक्षिणा भेंट करे। नाथ जी महाराज को देख भाई तेरो धन पाप कर्म गो मेरे काम को कोई, तन कोई धन की इच्छा तू मांग, मैं आशक दीदार का मेरे खीसे खैर खुदा, मैं तो एक परमात्मा की आशा, मैं तो साधारण बरोबर को जो आदमी दान पुण्य करे और बिंग बिहु तिरुपति वहाँ विश्यासा मैं रखूँ को नहीं। तो नाथ जी महाराज वो बैठूँ तो बादशाह कहे कि महाराज आपको मैं स्थान बनाऊँ, मोती नाम एक चेजारो है बिन बुलावे। नाथ जी महाराज बिंगो है जो कहे बादशाह को चेजो करे लाल किले को तो नहीं आपको आगू है जो आंगलियाँ कटा दे, कोई ऊँठो कटा दे। वो वार नाथ जी महाराज की बात की वो परिचर्चा हुए मंदिर बनाने की आश्रम बनाने की, वो आ जावे वो नाथ जी महाराज का, क्यों नाथ जी महाराज की बहुत बड़ी सराहना सब जगह भरे दिल्ली में गुरु महाराज की जय जयकार हुई। जद वो आ रहे कहेगा बाबा जी महाराज नमस्कार, नबिन नाथ जी महाराज परिचय पूछे और बिन कहो तुम के काम करे कि मैं महाराज कारीगर को काम करूँ, तो कहो तुम मेरो मंदिर बना दे, मेरो आश्रम बना दे। कहो बाबा जी क्या हूँ बना दूँ मेरे तो हाथ काट मेरे तो और तेरे के बात हुई तो ओ इंगो प्रसाद है बदा की दिन मैं इंगो मैल को काम करियो और ओ मन प्रसाद दियो, तो तू मेरो मंदिर हाथ के करनी बांध के बना दे, तेरा हाथ कंचन बन जी। ओ नाथ जी महाराज को मिंदर बादशाह औरंगजेब बनावे, औरंगजेब बना के वो मिंदर तैयारी हुए तो बिन सूचना मिले भाई परिचर्चा हुए कि मिंदर नाथ जी महाराज को तैयारी हो गयो। तो बादशाह कहे गुरु महाराज बढ़ेरा तो कैमता का हाथी का उदय बादशाह आवे आर दर्शन करे नाथ जी महाराज नमन करे और नाथ जी महाराज के चरणाम पड़े कि गुरुदेव ओज को आप गया और थारो और मेरो जो को संवाद है, अब मेरी तो महाराज आने वाले टाइम में कोई प्रकार की चर्चा कौन कर सी। तो नाथ जी महाराज कहो ठीक है तय हो जुगो तेरो इन जुगो राजा लोगों की और मुगल तर्ज से ओ जुगो मंदिर बनाए हुए इन पर तू के चावे, कह महाराज इन पर कोई मारी कोई निशानी तो रखो। तो नाथ जी महाराज कहो 14 मुकरबा बना दे, 14 विद्या को तू कहें तो तने कोई भी प्रसन्न हुए तेरे सने हुए तो बिंगो मैं तने प्रश्न को उत्तर दूँ। 14 लोग है जगह 14 लोग का मैं भ्रमण करूँ, अलग अलग लोग का एक एक ही है स्तंभ नाथ जी महाराज इमिंदर के पर मनावे और वो मिंदर चूनने और ईंट स्यूँ बनियोड़ो है, इनकी गहराई ऊंची जती है जती नीच जमीन में गहराई है। आज दिन तो कुछ मांगो काम बिंदो और भी हो गयो भी टाइम में मंदिर रस्तम जी महाराज को बहुत बड़ो शिरोधारी मंदिर बनियो, बहुत बड़ा बड़ा दर्शन करता राजा लोग भी अठे आवे, मांगी तामा पुत्र भी है बादशाह को एक तामा पुत्र की शिलालेख है मंदिर की दीवार पर है इम आ बात की है सचमुच सत्य सात में जगह गया शिष्य बन अठूँ कहो आप आपकी जन्म भूमि में उड़ जाओ
अर बठे थे बा नहीं जमीन जगह अठूँ तमा पुत्र बीकानेर महाराजा दे दियो। बादशाह दिल्ली और जे बादशाह तो तमा पुत्र सिद्ध संप्रदाय ने दे दियो। अर न्यारे न्यारे गाँव में जो जकी रास्ते माँ गाँव आ बिमा जो बीकानेर महाराजा राजा लोग दे दियो। इं करके नाथ जी महाराज अठे तपस्या करी। नाथ जी महाराज की एक घोड़ी की जी समाधि है ऐसे दिल्ली ले गया। घोड़ी है जिसको अभी घोड़ी की जीवत समाधि है। घोड़ी की जीवत समाधि है। घोड़ी की तो जीवत समाधि है। आज भी बहुत बड़ा पर्चा हैगा घंटिया भाव उगारोगी जे भाव कोई आवे अनेक प्रकार की स्त्री संबंधी कोई 36 प्रकार की बीमारी हुए निसंदेह गुरु महाराज की ऐसी कृपा है तीन मंगलवार परिक्रमा कर जावे तो महाराज मेरा शरीर कंचन हो गया। आज दिन भी आज कला मौजूद है। और अब आप चला बारज की एक समाधि है जिसको पिंपल है और खेलड़ी है बड़े चाओ जी महाराज सारसुत ब्राह्मण आज का महाराज छाजू सरगज का ब्राह्मण लोग हैं वे भी वंशज गाई है। चाओ जी महाराज रस्तम जी महाराज की सेवा में रहा और चाओ जी महाराज की समाधि स्थल बटे बा बवंगी भी जीव समाधि का नगारा जी बता रहे हो तो तीन ने बना रखे बनाए तीन नगारा अन्य एक बाजो तो अन्य जाति की फैसलिटी है। ठीक है जी। हमें सिद्ध लोग राजघराना की तुलना में राजा लोग तो दो बाजो बाजन कौन देता महाराज तो एक ही बाजो एक ताल को बाजे की फैसलिटी ही तो एक बाजे की एक नगारे की फैसलिटी तो ही। अरे बादशाह औरंगजेब तामा पत्र दियोगे दो नगारा आप दो ताल को बाजो सिद्ध जायो कठे भी बजा सके कोई की राजा की रास्त में बजा सके कोई भी खटे भी कोई भी स्टेट में जा सके सिद्ध ने नगारा और निरसाण ए कोई मना नहीं कर सके। इन वास्ते एक नगारो तो हो अरे ए दो बाजा है जो खुला करवाया रस्तम जी महाराज अगर बांधने तो ना तो खुला हो के खुला करावा तो बनना से तो खुला कराया। इन वास्ते ए तीन नगारा की फोटो इमिंद्र के साथ में ही है। अब तो कई जगह कई परचर्चा सुना जना ए इन लोग है जो संकोच करे बाकी संकोच करने की जरूरत को नहीं लारे इतिहास पढ़ो जावे हर जाति ने दो ताल को बाजो बजाने की खटी फैसलिटी को नहीं ही राजघराना में बाज तो राजा लोगों की बाज तो ताजिमदारा नहीं राजा हूँ जे मना कर दें तो बजान कौन दें तो अन्य जाति ने तो जगह ही खटी तो ओ है जो नाथ जी महाराज की आ एक यादाश्ती और तामा पत्र की प्रक्रिया है आ सिद्ध अच्छा। संप्रदाय में तामा पत्र की प्रक्रिया है कि सिद्ध जायो कोई भी राजा की राजधानी में कोई स्टेट में कठे भी प्रोग्राम करे तो कोई मना नहीं कर सके। ओ महाराज इंगो ओज को आप दर्शन करने छू अपन आ शिक्षा मिले कि नगारा की फोटो इन वास्ते है। अब रुस्तम जी को जो गांव हो मेन गांव खुशी हो रुस्तम जी को और आपको नाम रुस्तम जी क्यों पड़ो ए दो चीज और बताओ मैं। रुस्तम जी महाराज स्वर्ण वंश में तो नाथ जी को उतारो थेड़ी ना हो नाथ जी को गाँव को ठीक है फिर परमात्मा उतार लेने कई सी चीज है जिसकी ऐदृश्य रह जाए राम जी महाराज की रोजगार कथा हुआ रोजगार ही पूछा महाराज वो प्रश्न क्या हुए महापुरुष को भगवान गए उतार गो के हुए के एक नयो नयो नितनु प्रश्न उठे। रुस्तम जी महाराज के अभी समय मुसलमाना को शासन हो मुसलमाना को शासन हो इन वास्ते मांगा पिता जो बन क्यों आप मुसलमान बनो या मैं दीवानगी करता रुस्तम जी महाराज का पिताजी दीवानगी करता तो बादशाह को बड़ो बड़ो कहो महाराज कानून के कह बोलो फरमाया था पड़े कह या तो दीवानगी का दस्तखत कर लो या मुसलमानी धर्म स्वीकार कर लो। सावरदास जी महाराज बोलिया कह देख भाई तेरो जो पंथ है तेरे ही मुसलमान धर्म स्वीकार कर लूँ मैं अमर हो जाऊंगे मुसलमानों पंथ बदाऊँ कालकता जी जाऊँ तू बोल मेरी उम्र फिक्स कर देंगे अजर अमर कर दे मैं मेरे धर्म को त्याग कौन करूँ तो कहो महाराज अठूँ रवानगी करो कोई कोई बात नहीं वहाँ कहा नहीं साधारण भाषा मजूरी करनी है पेट भरना है कोई बात नहीं मैं तो तेरे काम कर गए मैं तो मेरी तनख्वाह लूँ तो बस बादशाह जबरदस्ती माने पकड़े पकड़ गए और माने मुसलमानी करने के वास्ते बे तत्पर हुए
तो बे कर दलेर समावे तो सांवरदास जी महाराज में तो पराक्रम आवे के पांच बटन का मंगे बहु का पकड़े बने और बहु जबरदस्ती करे बंगी हत्या कर दे अरे आप गए खांडे हूँ आपको शरीर बता दे। तो लारे जो रस्तम जी महाराज को जन्म हुआ है, रस्तम जी महाराज की उम्र कोई चार छ महीना की है, बालक की है बंगे घर ही। तो रस्तम जी महाराज की माता है जका की है गए बड़ू भारी बा यहाँ के लिए कोई परिचर्चा हुआ है तो बंगो सुरगुआस हुई आवे सुरगु महापुरुष आगो जीवन थोड़ो ही हुआ है। अरे एक जगह सेविका नाव कह वो नाव है जो अपन जो की अबार को जो राज चले ए मुसलमान लोग है इसो ही इनको नाव रखा लिया तो कोई नहीं जाने जानकारी ले सामरदास जी ने खत्म कर जिया जो कोई ई पुत्र की जानकारी ले कभी वंशज तो एक वंशज या ई बोलर महाराज वो मुसलमान को राज हो ई वास्ते बादशाह लोगों के मुसलमान मुगलों के बह के द्वारा वो नाम हो जो रुस्तम जी महाराज रखे रुस्तम नाम। तो जब ये अठ गाँव का मैंने बता रहा है कि या पीर बाबा की भी अठे समाधि का नाम भी जाना। हाँ पीर बाबा महाराज का गाँव में अपना जका अठे बिका लोग है और जता भी और है पीर बाबा के नाम से पुकारे पीर क्या पुकारे रुस्तम जी महाराज बादशाह औरंगजेब मैंने मक्के मदीने बोरिया लाने वास्ते गया तो बैठेगा जका पीर है जका नाथ जी महाराज ने भी बादशाह गुरु हो भी कहो गया बैठा अपना पीर काबू कर ले सी तो बैठे है जो नाथ जी महाराज जिया खुदा और मालिक को जिया भी जो भी रूप है जो नाथ जी महाराज धारे तो भाई सब बंगा मुलाकाती हुए और माँ पदवी दिनी का आप तो पीरा सर ही पीर हो इन वास्ते रुस्तम जी महाराज ने पीर की पदवी पड़ी मैं पीरा हूँ बहुत बड़ी बंगी विजय हुई इन वास्ते रुस्तम जी महाराज ने पीर की पदवी पड़ी। रुस्तम जी महाराज को पीर जी नाम भी है। रुस्तम जी महाराज ने एक रूप और भी पुकारे जी हाँ आल सर गए आप जी प्रांगण में जावा ना भाई दोहराड़ो बाबू भी कह रुस्तम जी महाराज का बहुत सा परचा है जट्टी दूर रुस्तम जी महाराज जावे तो नाथ जी महाराज के हुए रुस्तम पीर ओलियो धोरे माथे धाम पलक पलक परचा देवर बाड़ी बाड़ी मान। रुस्तम जी महाराज को जसनाती संप्रदाय में खटे भी जी भगवी दज्जा है बड़े रुस्तम जी महाराज की कला मौजूद है। रुस्तम जी महाराज की तीन शब्द गाएगी जो कि पूजा हुए अरस्तम जी महाराज दिल्ली में करी धूणे की पूजा आपके गुरुआं की पूजा करी और अब जो मेल हो जो सिद्ध संप्रदाय में करने लाग रहा वह जो रस्तम जी महाराज को अग्नि नृत्य करो तो माँ तो आपके गुरु महाराज की पूजा करी गुरु आराधना करी अरे मेल हो गए जो अब रस्तम जी महाराज की पूजा कर गए और अग्नि नृत्य को प्रोग्राम शुरू करा। अच्छा। बोलो रस्तम जी महाराज की जय। अरे वो जो गाँव है ओ छाजो नाव बम्बू चौधरिया बंगो गाँव जगी टेम रस्तम जी महाराज आवे बी टेम के माई गाँव है छाजो नाव चौधरी है अरबा चौधरिया का खेत आ बे चौधरी चावे जी महाराज कुछ परिचर्चा करे तो रस्तम जी महाराज बात सहन को नहीं आपको शिष्य हो भी शिष्य को अपमान कर दे तो बे जगह चौधरी लोग नाथ जी महाराज कहो थे रवानगी कर दो आप भूमि था ने अब अतोई सहयोग कर सी थारो समय आ गयो क्यों बाबा तो मैं खट जावा क्यों मेरो जो कुओ है ये कुए की जकी पहली लकड़िया का भूनू था तो बिंगी जकी आवाज जकी सुनी जाए चल चू करता सुनी जता दो दो कोस ताई तीन तीन कोस ये कुए की भून जो को सुनी जाए बत्ती दूर में भाई थे रह नहीं सकू थे चावे गो जुगो मेरो शिष्य वो अपमान करियो और आप भूमि भी था न अब जुगो अठू जाने को ही आदेश दे ई वास्ते चौधरी लोग है जुगो नाथ जी महाराज ने नमन करी रस्तम जी महाराज ने आज दिन भी माने वे और घंट जोड़े की ढोक वगैरह वह लोग लो लगावे जिसनाथी है वे वह जुगो नाथ जी महाराज बन के देखो गाँव तो मेरो रस्तम पूरो जिया काशी हुए काशी पूरी हुए अधूरी को नहीं हुए बा पूरी हुए लंका पूरी रावण की जिया ही रस्तम पूरो बाकी थेठ आया वो थे रहया वो थारो गांव है नाव तेरो और गांव मेरो ई महाराज ओ उसको गांव है ई वास्ते नाव छाजू पुरानी जी की परंपरा ही बा नाथ जी महाराज बा चौधरिया की बे नाथ जी महाराज का भगत होने का नाते बंगी प्रक्रिया इसकी सारी ज्यों की त्यों ही राखी बदली कोई